नमस्कार, राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। और अभी रात को बज रहे हैं, लगभग 2 बज रहे हैं और मैं अभी एयरपोर्ट के लिए जाने वाला हूँ। 3 बजे की फ्लाइट है क्लाइंट की, तो क्लाइंट का अराइवल होगा। और दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट पे ज़्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट है वो रात को ही आती है या सुबह जल्दी के समय आती है। तो 3 बजे ऑन टाइम बता रहा है अभी ऑनलाइन, तो क्लाइंट तो चलते हैं वहां पे और फिर वहां से लेके जाऊंगा मैं दिल्ली में क्लाइंट की होटल। और फिर दूंगा मैं थोड़ा सा फ्री टाइम यानी कि 5 बजे, 5:30 बज जाएंगे होटल पहुंचते पहुंचते, तो 3-4 घंटे दूंगा और 9 बजे के लगभग वापस दूंगा, क्योंकि दिल्ली की साइट सीन भी है। और फिर 4-4:30 तक हम लोग साइट सीन खत्म कर देंगे, क्योंकि जो हमारे साथ ड्राइवर होगा और गाड़ी होगी, वही गाड़ी हमें आगे जाके काठगोदाम में मिलेगी, क्योंकि दिल्ली से हम शताब्दी एक्सप्रेस लेके काठगोदाम जाएंगे और काठगोदाम से हम लोग जाएंगे नैनीताल। तो बने रहिए मेरे साथ इस टूर में भी, 14-15 दिन का लंबा टूर है, तो प्रतिदिन व्लॉग आते रहेंगे। दोस्तों, अभी मैं टैक्सी लेने के लिए, मैंने ऑनलाइन बुक की है टैक्सी और मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, तो अभी रात में कुछ ऐसा ट्रैफिक रहता है। तो दिल्ली ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं, हमेशा जग रहा होता है। अभी यहाँ पे मैं महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे हूँ और क्योंकि जो कंपनी की गाड़ी है, तो अभी मेरे ड्राइवर से बात हुई तो यहीं पे मुझे मिलेंगे। दोस्तों, रात को अराइवल कराने के बाद मैं थोड़ा 2-1 घंटा सो गया, उसके बाद में अब साइट सीन शुरू हुई है 10 बजे से। तो अभी मैं पुरानी दिल्ली में हूँ, जामा मस्जिद के नज़दीक। तो ये जामा मस्जिद का एरिया है, तो कुछ ऐसा बिजी रहता है यहाँ पे। स्ट्रीट लाइफ देखिए आप, यहाँ पे टूरिस्ट भी काफ़ी दिख जाएंगे आपको। और मैं जा रहा हूँ जामा मस्जिद के डायरेक्शन, गेट नंबर 3 की तरफ। ये गेट नंबर 3 से ही एक्चुअली टूरिस्ट की एंट्री होती है। तो गेट नंबर 3 की तरफ बिल्कुल क्लोज में हूँ, ये सामने आपको नज़र भी आ रहे होगी, जामा मस्जिद का कॉरिडोर ये सामने दिख रही होगी बालकनी वगैरह। ये जामा मस्जिद का गेट है सामने, ये बिल्कुल क्लोज में आ गया हूँ मैं। दोस्तों, ये जामा मस्जिद का गेट है, अंदर हूँ मैं, अभी अंदर आ गया हूँ। तो मैंने क्लाइंट को एक्सप्लेन करके फ्री टाइम दे दिया है फोटोग्राफी के लिए। ये जामा मस्जिद है दिल्ली की, जो दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार है। और वो दूसरा गेट है सामने और ये मेन गेट है जो लाल किले की तरफ वाला गेट है। तो टोटल 3 गेट है, ये देखिए सबसे बड़े वाला गेट यही है और लाल बलुआ पत्थर और वाइट मार्बल से बनी हुई है। ये देखिए काफ़ी बड़ी मस्जिद है, ये मुग़ल एम्परर शाहजहाँ द्वारा बनाई हुई मस्जिद है ये। अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ पुरानी दिल्ली में, जो पुरानी दिल्ली का ये जो गली है दरीबा कल्ला के नाम से जानी जाती है। और देखिए यहाँ की लाइफ है, स्ट्रीट लाइफ है। ये सामने देखिए ये ठेले पे यानी हाथ ठेले पे बेकरी है, जो ये हैंडमेड बिस्किट बना रहे हैं। और ये देखिए एक फ्लावर सेलर है, काफ़ी बिजी लाइफ है। सामने देखिए छोटे से ठेले पे पराठे बेचने वाले हैं। यहाँ पे पराठे, दिल्ली में पराठों का कल्चर मैंने बहुत देखा है। और मैं धीरे धीरे अभी वॉकिंग टूर से आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये देखिए पुरानी दिल्ली की गलियाँ। और मैंने अभी रिक्शा लिया है और रिक्शा लेके हम चांदनी चौक में हैं अभी। वो दूसरे रिक्शे में वो मेरे क्लाइंट बैठे हैं टूरिस्ट, और मैं इस रिक्शे में बैठा हूँ। तो एक्चुअली साइकिल रिक्शा पे एक पे 2 लोग ही इजीली बैठ सकते हैं, 3 तो फिर ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैंने 2 रिक्शे लिए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर चांदनी चौक में ही हूँ एक्चुअली, चांदनी चौक का विजिट करके फिर हम पार्किंग की ओर चले जाएंगे।
और दोस्तों अभी मैं शीशगंज गुरुद्वारे के सामने से निकल रहा हूँ, जो कि लाल किले के सामने चांदनी चौक में स्थित है, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है। गुरुजी तेग बहादुर जी से संबंधित है ये गुरुद्वारा और सिखों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। ये देखिए सामने से गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब। और ये चांदनी चौक में अभी डेवलप होने के बाद में काफ़ी अच्छा हो गया, पहले यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ख़राब था, आजकल अब साइकिल रिक्शा है, ये ई रिक्शा वगैरह यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो ट्रैफिक में काफ़ी सुधार है और फोर व्हीलर वगैरह ये अलाउ नहीं है, तो ईज़िली आप वॉक भी कर सकते हैं और साइकिल रिक्शा भी लेके जा सकते हैं। अभी देखिए ये सामने लाल किला है और मैं एक्चुअली यहाँ से राइट मुड़ूंगा तो हमें जाना है साइकिल मार्केट के अंदर से होते हुए, गाड़ी की जो हमारी गाड़ी है वो पार्किंग में, तो ये अभी साइकिल मार्केट है पुरानी दिल्ली का ये पूरा। ये देखिए बच्चों की काफ़ी साइकिल्स यहाँ पे मिलती है, छोटी बड़ी, काफ़ी बड़ा मार्केट है ये भी। पुरानी दिल्ली में आपको एकदम स्ट्रीट लाइफ कुछ अलग ही मिलेगी। ये देखिए कहीं पे सब्जी बेचने वाले, कहीं पे छोटी छोटी जगहों पे लोग एडजस्ट करके, छोटी छोटी दुकानें भी काफ़ी है यहाँ पे, सब्जी से लेके हर प्रकार के रोज़मर्रा की चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएगा। ये मैं लाल किले की जो सुनहरी मस्जिद की पार्किंग एरिया है वहाँ जा रहा हूँ, तो ये अभी मेन रोड पर आए तो देखिए किस प्रकार से ट्रैफिक एकदम बढ़ गया, सारे ऑटो टुक टुक गाड़ियाँ। और दोस्तों अभी मैं हूँ कुतुब मीनार पे आ गया हूँ, और ये कुतुब मीनार का जो है टिकट विंडो है। अभी कुतुब मीनार का इस साइड से व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू है ये सामने से देखिए, और उस साइड से मैं आया हूँ, और ये इस साइड में ये अलाई मीनार है जो अंडर है, बाकी यहाँ पे अननोन काफ़ी कब्रें भी है। और ये देखिए जो हिंदू और जैन टेंपल का ग्रुप है उस साइड से व्यू है, और साथ में कुतुब मीनार है जो खंडित हिंदू और जैन टेंपल है, जो उनके रुइंस अभी भी यहाँ पे कुतुब मीनार के आसपास में जो उनके खंडर आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिए ये एक पिलर के ऊपर देखिए जो घंटियों के और ये जो चैंस के ये जैसे फिगर है, ये ज़्यादातर आपको हिंदू या जैन टेंपल में ही मिलेंगे, किसी भी मस्जिद में नहीं मिलेंगे। तो ये एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय दिल्ली का जो ये जैन और हिंदू टेंपल यहाँ हुआ करते थे, उनको खंडित करके, उनको नष्ट करके, उसी मटेरियल से यह मस्जिद और बनाई गई है। देखिए ऐसे पिलर आपको सिर्फ हिंदू या जैन टेंपल में देखने को मिलेंगे, और आज भी इन जो खंभों पे है आपको ये देखिए, यहाँ पे शायद कोई मूर्ति हुआ करती थी जो कि यहाँ से बिल्कुल नष्ट कर दी गई है, और अभी भी बहुत से खंभों पर आपको खंडित अवस्था में मूर्तियाँ मिल जाएगी इन खंभों पे। तो कुतुब मीनार में जब भी आए तो यहाँ ये बहुत ही खूबसूरत खंभे है, पिलर्स है, देखना ना भूलिए। ये देखिए सामने एक मूर्ति है, इस साइड में भी है, और आपको ये देखिए और मूर्ति है, और ये जो गाय है गौ माता है दूध पिलाती हुई बछड़े को, वो भी है मूर्ति। अभी दोस्तों मैं कुतुब मीनार के इस वाली साइड में आ गया जो मिर्जा इमाम जामीन का मकबरा है, तो यहाँ पे हर 5 मिनट में ऊपर से आपको फ्लाइट गुजरती हुई, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वो जो एरियल डिस्टेंस से नज़दीक में ही है। अभी ये नई दिल्ली में इंडिया गेट का सामने से व्यू देखिए, और आजकल इंडिया गेट भी विजिट में काफ़ी अच्छा सिस्टम कर दिया है, आपको रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप रोड के नीचे से होके जो अंडर ब्रिज बना दिया गया है वहाँ से जा सकते हैं। और ये सामने प्रेसिडेंट हाउस का व्यू है। दोस्तों अभी मैं इंडिया गेट के अंदर आ गया हूँ, ये देखिए सबसे ऊपर इंडिया लिखा हुआ है,
दोस्तों इंडिया गेट 1931 में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया जो आर्च है या कहूँ तो एक बिल्डिंग है, वो उन सोल्जर्स के लिए, उन सैनिकों के लिए बनाई गई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, और उन शहीदों के नाम आपको यहाँ पे इंडिया गेट के ऊपर लिखे हुए मिल जाएंगे। ये देखिए पत्थर पर लिखे हुए उन पूरे जो भारतीय सैनिकों के नाम है वो है, आज भी यहाँ पे दर्ज है। दोस्तों अभी दिल्ली के सिटी टूर में फाइनली मैं आया हूँ गुरुद्वारा बांग्ला साहिब, और सामने से ऐसा है गुरुद्वारा बांग्ला साहिब, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, उस वजह से अंदर के दृश्य तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। और अभी मैं हूँ लंगर में, ये लंगर हॉल है, और यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ है तो उस वजह से मैं यहाँ पे फोटो वीडियो बना पा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हजारों लोग प्रतिदिन जो है लंगर चखते हैं, और ये सबके लिए फ्री होता है, कोई चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो। यहाँ पे देखिए आप हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु वो लंगर चख रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल से मैं वीडियो कभी अलग से आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे आज के साइट सीन तो ज़रूर लाइक कीजिए, जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राम राम दोस्तों।